हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बवासीर से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए और कब्ज की समस्या से निजात पाने के लिए आपके साथ मैं आज बहुत ही कारगर सा नुस्खा शेयर करूंगी। आपको फ्रेंड्स इस नुस्खे को कुछ ही दिन आजमाना है और आप अपने बवासीर और कब्ज की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या ले लेना है फ्रेंड्स, ये है फिटकरी। ये देखिए फिटकरी, इसको एलम भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। फिटकरी फ्रेंड्स दो रंग की होती है, एक व्हाइट रंग की और एक रेड कलर की। मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर की यानी सफेद फिटकरी का उपयोग किया है। फिटकरी का इस्तेमाल फ्रेंड्स एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। फिटकरी फ्रेंड्स हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिटकरी से बवासीर को जड़ से खत्म करने के बारे में बताऊंगी। फिटकरी को हमें कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे नहीं करना है, इसकी जानकारी मैं अभी पूरा इस वीडियो में दूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हमने यहाँ पर ये देखिए फिटकरी का इतना सा टुकड़ा ले लेना है। अगर जिसको बवासीर की समस्या है तो वो इसको ज्यादा मात्रा में भी बनाकर रख सकते हैं, ताकि इसको बार बार रोजाना बनाने के लिए ना लगे। तो आप ज्यादा मात्रा में भी इसको ले सकते हैं या आप चाहे तो थोड़ी मात्रा में भी ले सकते हैं। तो मैंने इतना बड़ा इसका टुकड़ा ले लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि इसको हमें किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। तो आप सबसे पहले गैस पे तवा चढ़ा लें गर्म करने के लिए, या तो आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसके ऊपर इस फिटकरी को रखकर इसको पकाकर इसका भस्म तैयार कर लेंगे। इसको हमें पकाना है, तो आप चाहे तवे में भी पका सकते हैं या तो आप कढ़ाई में भी पका सकते हैं। पक जाएगा तो हम इसका भस्म बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसका भस्म कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस नुस्खे के लिए हमें फिटकरी को पकाकर उसका पाउडर ही लेना है। हमें इस नुस्खे के लिए फिटकरी को बिना पकाए कच्चे ही इस्तेमाल में बिल्कुल ही नहीं लेने हैं। ये बहुत ही पॉइंट की बात है फ्रेंड्स। इस नुस्खे को जो बनाकर आजमाने वाले हैं वो फिटकरी को कच्ची ना ले, उसको इसी तरीके से पकाकर उसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिटकरी में कैसे उबाल आने लगा है। इसको यहाँ पर पकाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल हाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जलने लगेगा। तो हम इसको बिल्कुल ही धीमी आंच में धीरे धीरे पकाएंगे। तो उसके लिए हमें इसको पकाने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, और इतने में धीमी आंच में बिल्कुल ही सही तरीके से और अच्छे तरीके से पक जाएंगे, सूख जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जितना भी पानी था वो सूख गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि तवा भी गर्म है, तो इतने में ये अच्छे से पक जाएगा। आपको इसको बिल्कुल धीमी आंच में पका लेना है। ये सूख जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका पाउडर हम किस तरीके से बना लेंगे। तो इसको ठंडा होने के लिए आपको करीबन 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जब गर्म रहेगा तो ये बिल्कुल गीला रहेगा, जिससे पाउडर नहीं बनेगा। ये जैसे जैसे सूखते जाएगा और ये जैसे ही सूख जाएगा तब हम इसका पाउडर बना सकेंगे। तो उसके लिए हमारे पर 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा इसको सूखने के लिए, छोड़ने के लिए। तो इसको सूखने के लिए हम तवे पर ही छोड़ दिए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सूखकर तैयार हो गए हैं। अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो ये मोटी लेयर में पापड़ी जैसे जम जाएगी। इसको आपको तोड़कर इसका पाउडर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोई समस्या है तो मैं इससे निजात पाने के लिए इसको ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो मैंने ज्यादा फिटकरी यहाँ पर यूज किए हैं। अगर आप छोटी फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो इसको आप हल्का सा ठोकेंगे तो उतने में पाउडर बन जाएंगे। लेकिन ये देखिए, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ली थी फिटकरी, जिसके वजह से पापड़ी जैसे जम गया है। लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कच्चा में नहीं लेना है, पकाकर ही लेना है। बिल्कुल ही इस नुस्खे के यूज के लिए बनकर तैयार हो गया। तो इसको अब मैं अच्छे से पाउडर बना लूंगी। आप चाहे तो सिलपट्टे से पीस कर इसका पाउडर बना लें, या छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको मिक्सी जार में ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। इसको छोटा टुकड़ा कर लेंगे तो मिक्सी जार में भी आसानी से पाउडर बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक बर्तन में फिर इसका पाउडर ले लिया है। देखिए, ये फिटकरी का पाउडर जब बन जाएगा अच्छे से पकने के बाद तो इस तरीके से दिखेगा। देखिए, इसको आपको बिल्कुल ही चिकना पाउडर बनाना है। इसमें छोटा सा भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए फिटकरी का, बिल्कुल ही पाउडर
बनना चाहिए चिकना पाउडर इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी टुकड़ा नहीं है फिटकरी का। उसके बाद यहाँ हमें लगेगा फ्रेंड्स दो केले, यहाँ पर हमने ले लिए हैं दो केले। केला जो होता है फ्रेंड्स वो कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको खाना कैसे है, इसको खाने के आपको बिल्कुल सही टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी को केला खाने से सर्दी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप केले के खाने के सही टाइमिंग जान लेंगे कि इसको कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो ये आपको कब्ज की समस्या से बिल्कुल ही छुटकारा दिला देगी। इससे आपके कब्ज की जो समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम केला लेंगे, उसको इस तरीके से दो टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर दो केले लिए हैं, आप चाहे तो एक केले में भी बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो दो केले में भी बना सकते हैं, आप इतने एक बार में खा सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने जो फिटकरी को पकाकर उसका पाउडर बनाकर तैयार किया है फ्रेंड्स, उसको यहाँ पर केवल एक चुटकी इतना सा इसमें डालना है। चाहे आप एक केले में इसको बना रहे हो, चाहे आप इसको दो केले में बना रहे हो, आपको केवल इसमें एक चुटकी ही लेना है। इस तरीके से आप उसको केले के ऊपर डाल ले। इसके बाद आपको इसमें एक चीज और लेनी है, आपको वो है हनी। ये देखिए शहद, शहद जो होता है फ्रेंड्स वो आपके बवासीर के लिए, कब्ज के लिए, पेट के सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए, और जिनको सर्दियों में केले खाने से सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, उनके लिए शहद जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसको केले में लगाकर खाने से कब्ज की समस्या, बवासीर की समस्या और पेट के सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स केले में शहद ऐड कर लेंगे, आप चाहे तो एक बड़े चम्मच ले सकते हैं। तो इसके ऊपर में हम शहद लगा लेंगे इस तरह, देखिए। और क्या होता है फ्रेंड्स, किसी किसी को केला खाने में तकलीफ होती है, केले नहीं खा सकते हैं, शूट नहीं करता है, तो आप लोग इस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, सिंपल सा टिप्स बता रही हूँ। फिटकरी का जो पाउडर हमने पका कर तैयार किए थे, जिसका हम भस्म तैयार किए थे, उसका इस्तेमाल करना है। एक चम्मच आप शहद ले लीजिए और उसमें एक पिंच यानी एक चुटकी फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए और उसको आप खा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स इसको आपका सेवन कैसे करना है। चाहे आप केले के साथ में फिटकरी का पाउडर और शहद ले रहे हैं, अगर आप केला नहीं ऐड कर रहे हैं, केवल फिटकरी का पाउडर और शहद ले रहे हैं, तो आपको खाना कैसे है इसको, तो इसको आपको खाली पेट बिल्कुल नहीं खाना है फ्रेंड्स, क्योंकि केला जो है खाली पेट में ज्यादा नुकसान करते हैं। तो आपको सुबह कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है, उसके बाद ही आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। से केला जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर उसको सही टाइम में खाया जाए तो ये नुस्खा जो है फ्रेंड्स वो बवासीर और कब्ज को छुटकारा दिलाने के लिए बेहद ही कारगर और आजमाया हुआ नुस्खा है। इसका इस्तेमाल आप जरूर करें और हमें बताएं कि आपको बवासीर और कब्ज जैसी बीमारी से राहत मिली या नहीं। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन दिया है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।